चलिए ये क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर आज कल हो सकता है अपलोड हो जाए। आर्यन यादव, देखो बेटा त्रिकोणमिति में आपका नॉलेज बहुत हल्का है ना, त्रिकोणमिति का नॉलेज हल्का नहीं रखना है, उसको थोड़ा सा बढ़ाना है अपर लेवल पे। तो ये कलर भी मैं यहीं बगल में ही रखूँगा, ठीक है? थोड़ी मोटी कलम हो गई है, आप सही है, ठीक है? स्क्रीन शेयर नहीं कर रही अभी, क्या बोल रही हो? स्क्रीन शेयर नहीं कर रही, दिख ही नहीं रही है। अच्छा अच्छा हाँ, स्क्रीन शेयर करना हम भूल गए हैं। यस, अब दिखेगा, ठीक है, दिख गया? यस यस सर। हाँ, तो समाकलन की दुनिया में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं फिर से आज। समाकलन की दुनिया, मेरी राइटिंग बड़ी खराब है, तुम लोग बुरा मत मानना। आ जाओ, देखो मैं एक बात बताऊंगा अभी ट्रिक, कि कब कौन सा सूत्र लगाते हैं। जैसे होता है ना कि आप लोगों को कुछ आइडिया जिंदगी में हो गया होगा, ऐसा आइडिया हो गया होगा ना, कि जैसे मान लो कब कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कौन सा कपड़ा पहन के बाजार जाएंगे, कौन सा पहन के मार्केट जाएंगे, कौन सा मेला जाएंगे, कौन सा पहन के दीदी के घर, फूआ के घर, या बारात में, या शादी में, या बर्थडे में आप लोग, या मंदिर पे जाना है, तो आप लोग उसी हिसाब से कपड़े का सिलेक्शन ज़रूर करते होंगे। एक ही कपड़ा हर जगह पहन के जाते नहीं होंगे, राइट? सही है ना? हेलो सर, ये चाइना वाले। हाँ, वो कलर थोड़ा चेंज कर दीजिए, हरा में, हरा ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये सही है? यस सर, पियर फराक वाला कलर सही है? यस सर। लो, पूरा ही पीला हो गया। ध्यान से देखो, तो मैंने एक सवाल आपसे पूछा, बताया नहीं आप लोगों में से किसी ने, कि मंदिर जाना है, या स्कूल जाना है, या मेला में जाना है, बाजार में जाना है, तो कपड़े का सिलेक्शन होता है कि नहीं, कि ये वाला पहन लें? बोलिए। यस होता है। तो ये आज आपको कोई सिखाता है कि अपना मन खुद डिसाइड कर लेता है? बताइए। अपने मन से डिसाइड कर लेता है, अपना मन खुद डिसाइड कर लेता है, अपना दिमाग डिसाइड कर लेता है कि वी हैव टू वियर जींस या ड्रेस, नॉर्मल ड्रेस। तो ऐसे ही सूत्र वन का भी होता है बहुत सारा, साइन टू एक्स का भी बहुत सारा सूत्र होता है, चार चार पांच पांच सूत्र होता है, लेकिन डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा सूत्र लगाना है? तो भाई साहब, पहला डिसाइड करने का जो रूल है, कि ये जो करड़ी के अंदर ये चीज़ लिखा है ना, पीला पीला जिसको मैं घेर रहा हूँ, ये करड़ी से बाहर आ जाए। समझो इसके ऊपर सूर्य ग्रहण लगा है, अब ये ग्रहण से बाहर आना चाहता है, करड़ी से बाहर आना चाहता है। तो आएगा कैसे करड़ी से बाहर, कोई चीज़ कैसे आएगा? जब उसके ऊपर होल स्क्वायर ऐसे लग जाएगा तब वो बाहर आ जाएगा, है ना? Yes, sir. तो भैया ऐसा कुछ करो कमाल कि अंदर होल स्क्वायर का रूप परिवर्तन हो जाए, होल स्क्वायर के रूप में चेंज हो जाए। तो मैं अब बता रहा हूँ, आगे ध्यान से देखो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा रूट में वन की जगह पर आपको मालूम है त्रिकोणमिति, ऊपर त्रिकोणमिति है, बगल में त्रिकोणमिति है, तो जाहिर सी बात है वन का ऐसा सूत्र लगाओ जो त्रिकोणमिति खानदान का हो। कहते हैं ना कि हमारे पड़ोसी सब अगर हिंदू हैं तो मैं भी हिंदू हूँ, तो पड़ोसियों के बीच में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? या कोई मुस्लिम है तो मुस्लिमों के बीच में कोई रखने में दिक्कत नहीं है, सही है ना? तो वैसे ही साइन साइन कास कास के बगल में वन का भी ऐसा फार्मूला लगाओ कि जिसमें साइन कास हो। तो यही होता सूत्र साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर एक होता है, होता है। अब साइन टू एक्स का सूत्र ऐसा लगाओ कि होल स्क्वायर बनने में हेल्प करे, तो टू साइन एक्स इंटू कास एक्स एक सूत्र होता है ये भी। तो ये होल स्क्वायर बन जाने में मदद करेगा, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का जो चीज़ है ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है।
तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो गया ना इसी रूप का। बोलो गुड्डू गुप्ता समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। अंशिका? हाँ आ रहा आ रहा। तो ठीक है देखते रहिए। वैसे भी ये सूत्र कक्षा छः से शुरू हो जा रहा, सात आठ तक जाते जाते इसको सिखाना लोग बंद कर दे रहे हैं, लेकिन ये आना नहीं बंद कर रहा। मतलब हर क्लास में आ ही जाता है। नाइन्थ में आएगा, टेंथ में आएगा, इलेवेंथ में आएगा, आपके भी क्लास में आ गया, आप देख ही रहे हो। सिखाना बंद हो जाता है लेकिन आना इसका बंद नहीं होता है। तो आगे देखिए, ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे वाले को होल स्क्वायर का रूप आप दे देंगे। अब कोष्टक में बंद करिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये नहीं पूछना मुझसे कि ये कैसे हो गया, इतनी बड़ी लाइन कैसे छोटी बन गई, मैंने बताया ना अभी। बोलिए। जी सर, होल स्क्वायर। अब करड़ी से बाहर, ग्रहण से बाहर आने के लिए होल स्क्वायर का होना जरूरी था, तो यहाँ देखिए होल स्क्वायर लगा है ना। तो अभी करड़ी से बाहर आ जाएगा, बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब ऊपर वाला और नीचे वाला सेम चीज़ है, तो ऐसे ऐसे काट दीजिए। काटने से देखिए गुंजा गया है, गुंजा गया है ना, तो काटिएगा नहीं, सिर्फ वैसे ही डायरेक्ट लिख दीजिएगा, कट गया वन आ गया, ठीक है। अच्छा, छः से सात तक, आठ तक ऐसे लिखेंगे, पाँच बटे अगर दस लिखा है तो काटिए आएगा एक बटे दो, लेकिन इंटर में और चले गए हाई स्कूल में चले गए तो पाँच बटे दस को काटना, तो काटने वाला चिन्ह मत डालना, इसे सीधे एक बटे दो लिख देना। मतलब अगर छः सात आठ में तो इस तरीके से लिखना, उसके ऊपर है तो ऐसे लिखना है, गोंजा गांजी नहीं करना है। इस वजह से मैंने क्या किया, इसको ऐसे से काट के बदसूरत नहीं किया, क्योंकि ये खूबसूरत लिखा हूँ मैं। वन का समाकलन क्या होता है, कल तो बताया था मैंने, एक्स। हाँ, वन का समाकलन वन एक्स, टू का समाकलन टू एक्स, तो थ्री का समाकलन क्या होगा, थ्री एक्स। हाँ, तो उसी हिसाब से वन का लिखेंगे वन एक्स, और प्लस में फ्री फोकट में सी जोड़ देंगे, हो गया आंसर। कितना शानदार सवाल था, खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा हो गया, इतना बड़ा देखने में लग रहा था कुछ और है उत्तर आएगा, लेकिन देखिए। यस बट डोंट अबाउट नथिंग। तो आपको अगर ये ज्ञान रहता, कौन सा ज्ञान बता रहा हूँ, वन मिनट, गुलाबी कलर में देखिए ज्ञान, ठीक है। अगर आपको ये पहले से पता रहता कि वन की जगह पर ये वाला फार्मूला लगा लेना है और साइन टू एक्स का ये वाला फार्मूला लगा लेना है, तो आप लगा लेते और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये ऐसे लगा लेते। कड़ी से बाहर निकालने आता तो कड़ी से बाहर निकाल देते, उसके बाद काटने तो आता ही है, वन का समाकलन वन एक्स होता ही तो आपको आता ही है, ठीक है भाई। सर हाँ सर, नीचे कीजिए थोड़ा सा, अभी कर रहा हूँ, वन मिनट। जो एक लड़का आ रहा क्लास में एंट्री देते, मोहम्मद जावी। यस सर। हाँ बोलिए। नीचे करना है ऊपर? सर नीचे करना सर। चलो नीचे हो गया, बोलो सर। मान लो सर यहाँ साइन है सर, टेन आ गया, तो सर कैसे करेंगे सर? देखो भाई, सवाल अटेंडम में नहीं बनता कि कुछ भी ऊपर रख दो कुछ भी नीचे रख दो। जो सवाल बनाता पहले उसको हल करके उत्तर लाता है, जब उत्तर आ रहा है तभी सवाल सेट होगा। तो अगर ऊपर साइन साइन है तो उससे रिलेट करने वाला सूत्र बनने लायक ही नीचे लिखेगा। तो आप अगर कह रहे हो कि यहाँ टेन रहता ऊपर ऐसे, यस सर, ठीक है, तो नीचे कुछ ऐसा जरूर रहता कि जैसे यहाँ पर नीचे ऐसे हो सकता वन टेन। मैं बना दूं क्या एक सवाल आपके सामने में? हल करो, बना दीजिए सर। चलो मैं बना दे रहा हूं। मैं एक सवाल ही बना देता हूँ, बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ लेकिन बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, आई कैन डू ट्राई। देखिए उनका कहना है कि टेन फैन अगर ऊपर रहे ऐसे और करड़ी में कुछ ऐसा रहे, बता रहे वन मिनट। सेक स्क्वायर एक्स
प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस वन सब दो दो नहीं रहेगा ना, सवाल बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, हो गया सर, यही कहना चाहते थे। हाँ ऐसे रहेगा तो भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। यस सर। कैसे आएगा मैं बताऊं करके? यस सर बता दीजिए। बोलिए, बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। बड़ा यहाँ पर थोड़ा सा मजा लेना पड़ेगा। मजा कैसा बताता हूँ, पहले इन्हें काम करते पेज का कलर चेंज कर लेते हैं ना। पीयर फ्रॉम सर, इसे पूरा ब्लैक कीजिए, ऐसे धुंधला जैसा दिख रहा है। हाँ थोड़ा ब्लैक कर देना, ब्लैक। इसको लॉक किया गया, कैसे इसका लॉक हटेगा भाई? हाँ लॉक खुल गया, तो इसका कलर टोटली ब्लैक मार दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सर रानी का, देखो देखो हो गया। यस सर हो गया। छेड़ो मत, हमें क्या नाम है, छेड़ो मत, बताने दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये यूट्यूब पर वीडियो हम डालेंगे तो एडिट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं बीच में से, तो लड़िए झगड़िए मत हमसे। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह वैसे रहेगा, टेन एक्स वैसे ही रहेगा, प्लस आठ एक्स ऐसे रहेगा, एंड रूट के अंदर यहाँ पर अपने मर्जी से कुछ जोड़ेंगे फर्जी। कैसे जोड़ेंगे? माइनस टू प्लस टू, ऐसा कैसे बताऊं? माइनस टू प्लस टू जोड़ने से फायदा होगा, अभी देखिएगा ध्यान से। लेकिन कोई मतलब नहीं क्या है, मतलब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। होल स्क्वायर तभी बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा झाला। देखो सेक स्क्वायर एक्स यही रहेगा, और ये जो माइनस टू है ना, जैसे कहते थे ना दो का सिक्का है, और दो छोटे छोटे बच्चे कहते हमें भी पैसा चाहिए, तो उसको एक का सिक्का दो को बदल दीजिए, ठीक है ना। तो माइनस दो लिखा तो माइनस दो को माइनस वन दो बार लिख दीजिए तो हो जाएगा माइनस दो। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन यहाँ, प्लस अब ये कोसेक लाएंगे यहाँ पे, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन यहाँ, ठीक है। तो ये माइनस वन और ये माइनस वन मिल के माइनस टू बन गए, ठीक है। और ये लास्ट का प्लस टू बचा, इसको यहाँ लाते हैं तो प्लस टू लिख देंगे, और टू इंटू वन भी लिख सकते हैं, और वन की जगह पर होता है टेन एक्स इंटू काट एक्स, क्योंकि टेन एक्स इंटू काट एक्स का भी सूत्र क्या होता है, ये जो मैं घेर दे रहा हूँ ये भी वन है। कैसे? काट को एक बटे टेन करोगे, टेन टेन कट का वन आएगा ना। वन नहीं लिख सकते सर, वन नहीं लिखना, मुझे सूत्र बनाना है ना। देखो कैसे, अब इतना अच्छा। जितना मैं घेर दे रहा हूँ और इतना जितना मैं घेर दे रहा हूँ, तो घेरा हुआ चीज एक सूत्र है, ये वाला टेन स्क्वायर है और ये वाला काट स्क्वायर है, ठीक है। बाबू सवाल पूछे हो तो बताने दो, सीखने दो, सिखाने दो, ठीक है। नीचे क्या बन गया कर्ली में? ये दोनों माइनस वन तक बन गया टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से यहाँ तक माइनस वन तक बन गया काट स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ से यहाँ तक चुपचाप देख के लिख देना है टू टेन एक्स इंटू काट एक्स। अब ये लाइन बढ़ा दीजिए,
अब आप जरा महसूस करिए कि ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सूत्र बना वही वाला ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यस सर। ऊपर आपका टेन एक्स प्लस काट एक्स और नीचे आपका कर्ड़ी में क्या बन गया, टेन एक्स प्लस काट एक्स का होल स्क्वायर। देख रहे हो ना, होल स्क्वायर जब बन जाता तो खुश हो जाना चाहिए कि कर्ली से बाहर निकल जाएगा। ध्यान दो बेटा, टेन एक्स प्लस काट एक्स ऊपर हो गया और नीचे वाला कर्ली से बाहर निकलेगा तो ये भी हो जाएगा टेन एक्स प्लस काट एक्स और हो जाएगा डी एक्स। काट लीजिए तो छोटे बच्चे हैं नहीं कि काट के दिखाएंगे, सीधे काट के आएगा वन एक्स वन डी एक्स। वन का समाकलन क्या होता है पूरी दुनिया जानती है ना? दोनों का सेम आंसर आया। देखिए तो सवाल आपका कितना है, ये दोनों हटा दीजिए, सिर्फ ये जिसको गूंज रहा हूँ इसको हटा दीजिए, तो बाकी जो पियर पियर यानी पीला पीला दिख रहा है यही सवाल है, इसका भी आंसर आया वन। और ये सवाल अभी मैंने अपने मन से कराया मेरे साइड से, ये भी आंसर वन है। सूत्र दोनों में लगभग लगभग सेम यूज हुआ है, मेथड सेम यूज हुआ है। ये जिसको गूंज दिया हूँ इसको छोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको पीडीएफ भेजूँ तो आप समझ पाएँ कि माइनस दो अपने मर्जी से फर्जी जोड़ा किया गया है। माइनस दो अपने मर्जी से फर्जी जोड़े और घटाए हैं, ठीक है? तो अच्छा सवाल था ये, समझ में आया गुड्डू भाई? तीसरा सवाल, बोलते रहिए हाँ और ना तो मुझे अच्छा लगे, नहीं तो वीडियो कॉलिंग क्लास लेकर क्या करेंगे जब आप बोल ही नहीं पाएंगे। यस सर, सर मुझे सर अच्छा लगा मुझे सर। एक सवाल और, अगर एक नंबर दो नंबर में आएगा ये जरा ध्यान से देखना, एक्स प्लस टू एंड फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, अब होल अपान कितना है, एक्स है, इंटीग्रेशन का सिंबल आगे एंड पीछे है। अब देखिए इसमें जानते हो कैसे होगा, बड़ा आसान है बट थोड़ा सा मेहनत करना है, मैं बताता हूँ कैसे करना है, बस मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, मेरे कलम को भी देखते रहिए। पीला वाला कलर से आते हैं समझाने, यक्ष को इससे और इससे गुणा करवा दीजिए, ठीक है? पहला काम, तो यक्ष का जब फोर एक्स में होगा तो फोर एक्स पे घाते तीन होगा प्लस, यक्ष का जब माइनस पांच में होगा तो जाएगा माइनस पांच एक्स, ऐसे। सर ऊपर तो स्क्वायर लगा है ना? हेलो सर। अरे भाई एक घात इसका दो घात इसका मिला के तीन घात हुआ जी सर, ठीक है? अब इसी तरह दो का इसमें और इसमें करा लीजिए गुड़ा, तो जब दो चौक आठ एक्स स्क्वायर, अरे भाई देखो दो चौक आठ एक्स स्क्वायर बगल में है तो बगल में रहेगा, और दो पाँच दस माइनस में दस। नेहा क्लास में नहीं आई है क्या? बटा के नीचे यक्ष को लटका दीजिए ऐसे नीचे, समाकलन का सिंबल लिख दीजिए आगे पीछे। अब क्या होगा बताते हैं, अब वही जो हमारा हर्षित जान गया होगा कौन कौन विधि हम बताने वाले हैं। कौन विधि? पैजामा फाड़। हाँ पैजामा फाड़ विधि, पैजामा फाड़ विधि से अब आप इसको हल करेंगे। एक दिन चप्पल मार विधि पढ़ाएं क्या, बोर्ड पर यूट्यूब पर वीडियो डालें, स्टैम्पट पर वीडियो बनाएं चप्पल मार विधि से। चलो तो यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, ये जो पहला वाला है ना इतना बटे एक्स, ये जो दूसरा वाला है उतना बटे एक्स, तीसरा वाला उतना बटे एक्स, चौथा वाला उतना बटे भी एक्स, यानी समझ लो ऊपर चार को गोला हम बना दे रहे हैं। सुनो तुम लोग ध्यान से, चार को गोला है
चारों गोला को गोला नहीं, चारों को समझो छोटा छोटा बेटा है और नीचे वाला उसकी माँ है। चारों को जरूरत लगेगा, ये भी जाएगा माँ से पैसा मांगेगा, ये भी आके माँ से मांगेगा, ये भी मांगेगा, ये भी मांगेगा। चारों लोग माँ से क्या कहेंगे, 5 रुपया दो ना चिप्स खाना है, 5 रुपया दो ना चिप्स खाना है। तो माँ क्या करेगी, सबको संभालेगी। तो उसी तरीके से इतना के नीचे भी माँ, इतना के नीचे भी माँ, इतना के नीचे भी माँ और इतना के नीचे भी माँ संभाल लेगी। तो नीचे आ जा सबके, बताता हूँ कैसे। फोर एक्स क्यूब अपान एक्स, माइनस चिन्ह है लगा लीजिए, 5x बटे में x, 8x स्क्वायर बटे में x, -10 बटे में x। पुस्तक आगे पीछे बांध दीजिए, समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। हाँ, अब क्या होगा, x से yes, x कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, यहाँ नहीं कटेगा, ठीक है? यस सर। तो काट yes, लिया जाए, तो ऊपर वाला x पे 3 घात है तो 2 घात रह जाएगा कट जाने के बाद, ऐसे हो जाएगा। पूरा पूरा x कट गया, 5 अकेला हो गया, यहाँ भी 8x हो जाएगा ऐसा। यहाँ 10 को ना, 10 के आसपास कौन छुपा है? 10 के साथ अगर मैं पूछूं कि कौन है, अगर कोई ना दिखाई दे कह देना कि 1 है। 10 के पास कौन है? माइनस तो रहेगा ही, माइनस 10 लिख दो ऐसे, इंटू 1 बटे x। अब ऐसा और ऐसा सिंबल लगा के, ऐसा और ऐसा सिंबल लगा दो, ठीक है? अब हम समाकलन करने जा रहे हैं, तो नए बच्चे 2 लोग हैं, गुड्डू और अंशिका, समाकलन तुम लोग सीखो। कैसे होगा समाकलन बताता हूँ, ध्यान से देखो। x पे जितना घात है उसी में 1 घात बढ़ा दो अपनी मर्जी से, फर्जी, हो जाएगा समाकलन। 4 अपना 4 जगह रहेगा, x पे कितना घात है, 2 घात, 1 टी बढ़ा लो अपने मर्जी से, बढ़ गया। जितना ऊपर बढ़ेगा उतना नीचे भी लिखेंगे, 3 ऊपर 3 तो नीचे 3, जितना ऊपर वही नीचे आता है, बस समाकलन करने का ये तरीका। अब मैंने आपको बताया 1 का समाकलन 1x, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, तो 5 का क्या होगा? 5x, तो यहाँ 5x लिख दीजिए। और इस पर इतने 1 घात अपने पास से मालूम है ना, तो मैंने बोला कि जितना घात रहे उसी में 1 बढ़ाना बस। तो 8x पे कितना घात हो जाएगा, 2 घात, क्योंकि 1 घात है यहाँ पे, और बटे 2, माइनस 10। और ये देखिए, ये कहता कि मेरा सूत्र यूज करिए, 1/x का समाकलन होता है log x, याद है ना, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। सर साथ log x क्यों नहीं आया? जब सिंगल x नीचे रहेगा एक ही घात का, तब log x, बाकी नहीं रहेगा, ठीक है? अब इसको थोड़ा ढंग से लिख दें, सुंदर बना के, 4/3 देखो यहाँ, ये देखो 4/3 इकट्ठा, बटा वाला खानदान एक साथ, 4/3 x पे घाते 3, माइनस, इसके बाद ये लिखेंगे, इसको हम छोड़ेंगे बाद में लिखेंगे, 8x, अरे 4 2 से 8 काट लो यार, 2 से 8 काट लो, क्या होगा, 4 होगा, 4x स्क्वायर, एंड फिर ये लिखेंगे -10 log x, अब इसको छोड़े थे ना, -5 प्लस सी। ये तो समझ में आ गया, लेकिन आप लोग मेरे से पूछो कि गुरुजी क्यों आगे पीछे पहले इसको लिखे हैं तब बाद में इसको क्यों लिखे, इसका कारण होता है, बताता हूं। जब 8x स्क्वायर बटे में 2 जो तो प्लस में है ना, तो इधर तो आया तो माइनस में हो गया। नहीं नहीं, ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, ठीक है? तो मैं एक बात बताता हूं, तो माइनस रहता है ना? नहीं बेटा, बराबर के इस पार उस पार होने पे चिन्ह बदलता है, बराबर के बाएं पक्ष दाएं पक्ष में होने पर।
बराबर के एक साइड में अब आगे पीछे करेंगे चिन्ह नहीं बदलेगा। पहले प्लस दिए जाएंगे सब। सर आपने दो पहले के बाद में माइनस। आवाजें कट जा रही है, तुम क्या हम सुनेंगे क्या हम बताएंगे। सर पहले दिए ऑडियो आपकी नहीं आ रही है भाई, कट जा रही है इसे जैसे कोई मुंह बंद कर दे रहा पकड़ पकड़ के हाली हाली। देखो ये बता रहा हूँ सुनो, तीन घात दो घात एक घात रूल क्या होता है, आगे पीछे करने क्यों जरूरी है बताइए। देखिए घातों के घटते क्रम, घातों के घटते क्रम में ही हम आंसर लिखते हैं, ये रूल है। और ये रूल जबरदस्ती रूल नहीं, मतलब कि जरूरी ही है, ये रूल है सुंदर दिखने के लिए। तो इसी वजह से घातों का घटता क्रम, देखिए यहाँ पे तीन घात, फिर दो घात, फिर यहाँ पे एक घात, ठीक है समझ गए ना सर। हाँ वहाँ पास माइनस पांच का पांच एक्स किए लेकिन दस का दस एक्स नहीं किए हैं आप। देखो ये यहाँ माइनस पांच एक्स था, हाँ यहाँ भी वही माइनस पांच एक्स है, ये नहीं ये दस दस, ये माइनस दस लाग है तो यहाँ भी माइनस दस लाग है, कहाँ कुछ बदला है। नहीं उसका दस एक्स नहीं किए है ना सर, इसके ऊपर वाले लाइन में सर, इसके ऊपर वाले लाइन में ये कह रहा हूँ नहीं बेटा, जब यहाँ बगल में कुछ और है तो दस गुणांक बन गया, जब अकेले दस रहेगा अच्छा अच्छा तब दस का दस एक्स होगा, यहाँ दस अकेले नहीं है, दस के नीचे कोई है तो दस कहेगा हम तो गुणांक बन जा रहे हैं भाई, जैसे पांच एक्स रहेगा, पांच रहे और एक बटे एक्स रहे तो पांच का समाकलन नहीं सिर्फ एक बटे एक्स का समाकलन होगा। जब दस देखो यहाँ पांच अकेले है ना तो इसका हुआ समाकलन, लेकिन दस अकेले नहीं, दस के पास में कोई है इनटू में, समझ में आ रहा सबको। यस अखिलेश भारती, अंकित, अनमोल, अंशिका, अरुण, आर्यन, गुड्डू, हरिओम, हर्षित, मोहम्मद जाबिर, राहुल शर्मा, रामजीत राठौर, रुचि, सुमित, वंश और विकास कनौजिया, इतने लोग हैं क्लास में, सबसे पूछ लिया हूँ, आ रहा समझ में। यस सर, यस सर, ठीक है ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा लो लेवल से ऊपर बढ़ते हैं हाई लेवल में थोड़ा सा। बहुत मस्त समाकलन का सवाल लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति में, था तीन नंबर लेव चार नंबर है। देखो ध्यान से, तुम लोग खुश हो जाओगे त्रिकोणमिति से। इसी का करना है इंटीग्रेशन, मींस समाकलन। गुड्डू भाई देखना बोलना, समझ में आएगा तो, ना समझ में आया तो भी बोलना, ठीक है। गुड्डू है कि निकल गए क्लास से? नहीं निकले सर, हाँ लगे रहो अभी देखो तो। अभी गुड्डू साल का समय है, गुड्डू को हम समझा रहे हैं इस वजह से कि भाई ये 2025 में एग्जाम देंगे और आप लोग डायरेक्ट समाकलन पढ़ रहे हो, ये इनको गुड्डू को डायरेक्ट समाकलन पढ़ाया जा रहा, अवकलन पढ़ाया नहीं, इस नाते हालचाल ले ले रहे हैं। पहली मार्च से गुड्डू भाई जब आपका क्लास चलेगा तो आपको एक दिन जान लीजिए झाड़ू का अगर एक एक सीख जैसा होता ना, हम एक एक सीख गिन गिन के पढ़ाएंगे आपको। देखिए इसका समाकलन कैसे होगा, इसमें याद रखना हम sec x माइनस tan x का अंश और हर में गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, sec का sec में गुणा और इस sec का tan में गुणा, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, तो sec का sec में होगा तो sec स्क्वायर x
सेक का टेन में होगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बट्टा के नीचे जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छा साथ में लेके चलते हैं आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र यही होता है ना बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता जो चार कोना का डब्बा में बंद किया हूँ। यस सर। तो इसके आधार पर देखो, ये दोनों हो गया ए प्लस बी, ये दोनों हो गया ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब कोई लड़का अगर त्रिकोणमिति का सूत्र थोड़ा सा भी जान रहा होगा तो बहुत मजा आएगा उसको। इसका मान कितना होता है, एक होता है जी सर, जिसको पीला पीला में मैंने घेरा है उसका मान एक होता है, और बटे के नीचे एक कभी लिखा नहीं जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ दीजिए, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला लिख लीजिए, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, डी एक्स लगाइए। अब इसका भी समाकलन होता है सूत्र, और इन दोनों का समाकलन सूत्र होता है ना। यस सर। तो पहला इसका समाकलन सूत्र क्या होता है, कौन बताएगा? टेन एक्स। हाँ, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी होगा सर। पहले वाले का, इसका जिसको घेर दिया हूँ, इसका समाकलन टेन एक्स, और इन दोनों का समाकलन एक साथ क्या होता है, माइनस सेक एक्स। इन दोनों का समाकलन हो जाएगा माइनस सेक एक्स और प्लस बी। समझ में आ गया? यस सर। तो देखिए, बार बार सूत्रों से टकराना पड़ रहा है, बार बार हमें सूत्रों से क्या करना पड़ रहा है, टकराना पड़ रहा है। कभी कक्षा सात में जाना पड़ रहा है, तो कभी कक्षा नौ की त्रिकोणमिति लगाना पड़ रहा है ना। ये सब जो नीचे सूत्र है, ये वाला कक्षा आठ नौ में ही बताया जाता है, और जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो छः सात में बताया जाता है। हमको पढ़ना इंटर का है, तो हम इंटर में भी वही पढ़ रहे हैं, बारह में पढ़ रहे हैं वही चीज़। तो कभी भी अपने छोटे भाई बहनों को, आप लोग कक्षा सात में आठ में छः में होंगे, तो मैथ का सूत्र जरूर आप लोग रटवा दीजिएगा उनसे, नहीं रटते हैं तो थोड़ा डांट फटकार के हड़का हड़का के याद करा दीजिएगा, नहीं तो वैसे भुगतेंगे जैसे आप लोग परेशान हो रहे हो। क्यों रुचि, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सर। हाँ, आगे देखिए, अभी आप इसको देख के जान जाएंगे कि इसमें क्या करना है। ये सवाल देखिए, ये आएगा आपका थ्री मार्क्स में। बोलो सर, नहीं है कि किताब की, ये किताब से सवाल है, ये भी आया बता रहे हैं। नहीं, ये नहीं पूछा गया एग्जाम में, लेकिन पिछले साल के पेपर में ये पूछा गया था यार, मेरे पास कोई भेजा था पेपर, 23 में आया था। सर सर, ये भी सूत्र बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का बस वन पर स्क्वायर लगा के बनाएंगे तो यही सवाल तो हम यहाँ कराए हैं भाई। ये देखिए, इसका नीचे वाला, यही नीचे वाला है ना आंसर, हर में से नोमिनेटर डिनोमिनेटर में से यही वाला। तो इसमें भी वही लगाना है, इसमें कोई बोलेगा कैसे होगा? कोई बोल बोल के बताए, मैं लिखूंगा वैसे वैसे। वन की जगह पर लिख लेंगे वन की साइन स्क्वायर, वन की स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ, और साइन टू एक्स का सूत्र, टू साइन एक्स इनटू कॉस, टू साइन एक्स कॉस एक्स। हाँ, पीछे लगा देंगे डी एक्स। अब ये क्या बन जाएगा,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर जी। देखो इसको पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर और इसको पढ़ेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। होल लगाने मतलब एक्स वाई दोनों का, अच्छा अब क्या होगा हाँ रूट खत्म साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ अगर ऐसे सिर्फ ऐसे लिख दें और ऐसे लिख दें तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का सिंबल सिर्फ साइन के साथ है, dx सिर्फ cos के साथ। अगर ब्रैकेट बंद कर देंगे तो अब सही माना जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन अब पूरे ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है सबका होना है। साइन का क्या होता है? साइन x का सूत्र होता है माइनस में cos x, cos का सूत्र होता है साइन x होता है, प्लस सी लास्ट में जोड़ते हैं, हो गया आंसर। तो नए बच्चे गुड्डू और अंशिका को ये नहीं मालूम होगा कि ये साइन का सूत्र कास और कास का साइन कैसे हो रहा, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, सूत्र दे दूंगा। देखिए यहाँ पे सूत्र तो ब्रैकेट नहीं लगेगा तो सिर्फ साइन का ही होगा इंटीग्रेशन। हाँ और फिर कोसेक्स का क्या होगा? तो छोड़ना है, मतलब देखने में गलत लिखा हुआ है, करने वाले कर देंगे, आप ही कर दीजिएगा। देखो भाई ये सूत्र है ना गुड्डू, दे दूंगा तीन नंबर सूत्र, देखो चार नंबर देखो, ये सब दे दूंगा मैं, घबराना मत। क्या रोज रोज मांगते हो, रोज रोज दिखाते हैं तुम, पुराने नए लड़का जो जुड़ा उसको देना कि तुमको इसका मतलब याद नहीं करता है लड़का, जो भी दिखा रहा है गुरु जी भेज दीजिएगा, मालूम हो रहा कि कल भेजे थे भूल गया ये, इसका मतलब पढ़ाई लिखाई आपका जीरो लेवल चल रहा है, कुछ तैयारी आपकी है नहीं। ठीक है, भेजने के लिए तो हम भेज देंगे, सबको भेजेंगे तो बुरा लगेगा ना, इतना ज्यादा हो जाएगा। भेज दें सर जी, और फालतू में हम भी चले जाते हैं सर, तुषार एम डी मच्छर काटने लगा सर। सर सवाल कराओ, गर्मी आ गई क्या आपके यहाँ? ये देखो काट रहा है मच्छर, क्या बताऊं, ये देखो देखो मच्छर काट रहा, हाथ पैर ढक लो और क्या, एक स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर हो गया, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट में ए माइनस बी, बटा के नीचे वही चीज लिख दीजिए। अब आप देखिए काटने लायक संजोग बन गया, इसे से काट लीजिएगा, लेकिन काट के दिखाइएगा मत, एक्स माइनस वन बचा सिर्फ। अब समाकलन आपको आता ही है, एक्स का समाकलन एक्स पे घात दो बटे दो, वन का समाकलन वन एक्स प्लस सी, कितना इसकी है? कितना अच्छा है। और ये आपके लिए होमवर्क मैं दे दूंगा, सात नंबर। सर मेरा एक सवाल सर फंस गया था, मैं व्हाट्सएप भेज दूं सर, बता दीजिए सर, बड़ा नहीं है छोटा सवाल है, अभी देखन में छोटा होगा। ये पीला वाला सात नंबर सर, ये सर इसी का भाई है, इसी का सर, तो पांच नंबर प्लस है और सात नंबर माइनस है, बस सूत्र वही, सवाल वही जी, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, आंसर भी हो जाएगा, ध्यान रखना है। सवाल अभी मत भेजो, ये रिकॉर्ड हो रहा ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग कर लेंगे ना, ये मान के छोड़ दूं? यस सर, यस सर, हाँ बहुत अच्छा बात। ये हो गया आपका एच डब्ल्यू सर, और दे दीजिए आठ नंबर सवाल।
इसका भी समाकलन करिएगा, ये भी एच डब्ल्यू है, इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है सर, हर चैप्टर में सर एक एक सर हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन दे दीजिए सर। जो पढ़ा रहे हैं पहले उसमें से दें। जी सर जी, ये भी देखो ये कैसा सवाल है, 9 नंबर है इसके जैसा, ये इसके जैसा 6 नंबर के जैसा। ठीक है 6 नंबर, 6 नंबर के जैसा 9 नंबर मैंने दिया, 10 नंबर भी ले लो। बहुत मस्त सवाल दे रहा हूँ। काश एक्स का 4-5 सूत्र होता है, काश टू एक्स का, इसका तो आप लगाना इसका काश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाला, तो फिर नीचे वाला कट जाएगा, जो बचेगा उसको समाकलन कर देना। 10 नंबर करना जरूर, नहीं आएगा तो कल पूछ भी लेना, क्योंकि ऐसे सवाल आपके समाकलन चैप्टर में एनसीईआरटी में भी हैं। सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला मैंने आपको ये सब सूत्र लिखवा के भेजा है, तो ये लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फिर इसमें लग जाएगा। ठीक है तो ये बार एक काश एक्स माइनस साइन आएगा नीचे तो कट जाएगा, काश प्लस साइन बचेगा उसका समाकलन लिख देना, यही सूत्र यूज होगा। ठीक है यस सर, सूत्र भी मिटा दे रहा हूँ। सर 9 आंसर बता दीजिए, क्या वाले आंसर कितना आएगा? आवाज क्लियर नहीं आ रही, बोलिए सर। 9 आएगा, 9 नंबर का उत्तर। उत्तर भौंक रहा भाई, अपना माइक बंद कर लीजिए, नहीं तो कुकुरा मुंह पसवा ना लेके चले जाना। नौ नंबर का उत्तर पूछे हो? जी सर। तो एक्स माइनस 3 बचेगा ऊपर, मैं कर लिया हूँ ये सवाल 9 नंबर अभी। सुनो एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 3 एक्स प्लस सी, इसका आंसर बेटा आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 एक्स, 3 एक्स प्लस सी। हाँ जी सर, जिंदाबाद, आपका सवाल सही हो गया, जिंदाबाद हो गया। अभी 11 नंबर मैं अपने पास अपने मतलब आज समझाने के लिए दूसरा सवाल बताता हूँ। ठीक है सर, ऐसा सवाल कराओ जो ज्यादातर बार आता हो पेपर में। वैसा ही करा रहा हूँ यार, बहुत बड़े बड़े नहीं करा रहा हूँ। ये आपके बुक का है एनसीईआरटी का, देखिए जब कभी cos 2x के आसपास 1 हो तो 1 को काट देने वाला सूत्र लगाना चाहिए, ऐसा सूत्र लगाओ बार वाला 1 कट जाए। तो मैंने इसका सूत्र आपको लिखवाया था, भेजा था, तो ये cos 2x का सूत्र ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूँ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, नीचे cos 2x का सूत्र 2 cos स्क्वायर x माइनस 1,
ठीक है, ब्रैकेट ये वाला ओपन करेंगे तो वन से वन कट जाएगा, कट जाएगा ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बटे यहाँ वन वन कट गया, बीच वाला बचा टू का स्क्वायर एक्स समाकलन का समाकलन, अब टू टू भी कट जाएगा, ऊपर नीचे टू टू है कट गया, तो जो बचेगा ना तो साइन बटे कास क्या होता है टेन होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन होता ही नहीं है, कोई सूत्र ऐसा नहीं है जो टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन कर दे, इस नाते इसका सूत्र बदल देंगे, सेक में कन्वर्ट कर देंगे, स्क्वायर एक्स माइनस वन में कर देंगे ऐसे। जी सर। ठीक है, कोष्टक नहीं लगाओगे तो समझ लो बहुत फुहर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन सूत्र होता है, आपको याद है ना, आपको टेन एक्स वन का समाकलन वन एक्स प्लस सी हो गया आंसर, हो गया ना। तो ये काफी ज्यादा शानदार सवाल है, दो या तीन नंबर लायक है, कई बार इसका परीक्षा में पुनरावृत्ति हो चुका है, पुनरावृत्ति समझ रहे हो ना। यस यस सर, यस सर, कई बार आ चुका है ये सवाल। और आपको एक और सुंदर सा सवाल मैं देता हूँ, पैजामा फाड़ विधि का इस्तेमाल करिएगा, आ जाएगा, ठीक है, होमवर्क के बगल में लिख दें। जी सर। यहीं पर अथवा के रूप में, ठीक है, होमवर्क है। हाँ, हाथ उठा रहा कोई, ठीक है, तो ये सवाल आप करेंगे पैजामा फाड़ विधि से बहुत बढ़िया से आएगा, बहुत बढ़िया से, उत्तर बता दें इसका आंसर आएगा टेन एक्स प्लस काट एक्स प्लस सी, इसका उत्तर टेन एक्स प्लस काट एक्स प्लस सी, ठीक है, समझ में आ रहा सबको। बताइए गुड्डू और अंशिका, समझ नहीं आ रहा है। वंश कुमार, विकास कनौज, दोनों मित्र लोग पास पास हैं, रुचि वाला करके अभी वाला अगर आप चाहो तो मेरे को सब लोग भेज सकते हो करके, व्हाट्सएप पर मैं रिप्लाई दे दूंगा किसका सही किसका गलत, पर्सनली यहाँ पे नहीं चेक करूँगा, ठीक है, ये 10 नंबर का ये अथवा वाला है सुंदर सा, सर कॉल कॉल मुझे भेज देना अभी व्हाट्सएप पर, ठीक है सर, सारा नहीं सिर्फ यही वाला करना है, यही वाला नहीं तो मेरा व्हाट्सएप का मेमोरी लोड ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ यही भेजना है। अरुण चौहान जी हैं क्या क्लास में? अरुण जी नहीं है आज क्लास में सर, पूरा नहीं फोटो भेजना है सबका, नहीं सिर्फ दसवें में जो अथवा है वही, अरुण जी तो हैं क्लास में। अरुण जी हो जाएगा सवाल, ट्राई करूंगा सर। ठीक है ठीक है, करिएगा ठीक है। राम जी जी आप भी भेजिएगा, विकास कनौजिया हो जाएगा, सारा सूत्र अगर आपके सामने रहेगा तो हो जाएगा। कॉपी पे कौन लिखता है डेली सूत्र? डेली सूत्र अपने कॉपी पे कौन लिखता है? सर लग गया, लग गया भले, लेकिन ये जो सूत्र है एक से लेकर के 34-35 ठीक जो मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, कौन इसको डेली देखता है, मतलब डेली लिखता है,
लिखते रहो यार, डेली लिखते रहो डेली। हाँ हो सवेरे बैठ जाओ इसी को लिखो, तब जाके ब्रश करो, कसम खा लो आज खा रहे लिखेंगे तो खाना भी नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे सर। यूट्यूब पर ठीक है, क्लास बंद करते हैं, ये वीडियो अपलोड करेंगे कल किसी टाइम, कल डालेंगे ठीक है सर। दो एक बताएंगे सर, वीडियो सर रोक दीजिए। अच्छा रुक जाओ।